Laurel. 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 Do subscribe to daily tutorials and turn on the notifications to get notified whenever the video uploaded. तो दोस्तों अभी आपने क्या सुना, लॉरेल या यैनी? मेरे ख्याल में मैं तो सुन रहा हूँ यैनी, बट आप सुन रहे होंगे लॉरेल। तो आज की इस वीडियो में इसी में बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नमेसान और आप देख रहे हैं डेली ट्यूटोरियल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप जरूर कमेंट्स में बताएं कि आपने अभी क्या सुना था, लॉरेल या यैनी। तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ अर्सा पहले आपने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखी होगी जिसमें दो ड्रेसेस थे जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आपको ये ड्रेस का कलर कौन सा लग रहा है, ब्लू या येलो। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हर बंदे का अपना एक देखने का होता है कि उसकी आईसाइट का कि वो क्या कौन सा कलर डिटेक्ट करता है और कौन सा कलर उसको अच्छा लगता है। तो उसका माइंड जो कलर कहता है तो वो वही डिटेक्ट कर लेता है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसका सलूशन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो ये जो लॉरेल और यैनी है इसके बारे में थोड़े से आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग इसको यैनी समझ रहे होंगे, कुछ लॉरेल समझ रहे होंगे। अदरवाइज आप कमेंट्स में देख सकते हैं अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि लोग लॉरेल और यैनी में कन्फ्यूज हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये जो एक्चुअली वर्ड जो के रिकॉर्ड किया गया था वो था लॉरेल, मगर ये जो बहुत से लोग सुन रहे होंगे वो यैनी सुन रहे होंगे। मैं आपको ये बता दूं कि एक पिच होती है, ठीक है, वॉइस की, हर वॉइस की पिच होती है। तो जिस पे ये रिकॉर्ड किया गया वो नॉर्मली लॉरेल जो वर्ड है वो प्रोनाउंसर है, मगर अगर हम इसकी पिच को इंक्रीज कर दें अप टू 30% तो आप जो वर्ड सुनेंगे, अगर आप इसकी पिच को 30% डाउन कर देंगे तो फिर आपको जो वर्ड सुनेगा वो होगा यैनी। अगर आप इसकी पिच को 30% इंक्रीज कर देंगे तो आपको जो वर्ड सुनेगा वो होगा लॉरेल। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्ड सुन रहे हैं और कौन सा वर्ड आपको जो है वो आपके कान जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके कान 30% आपके जो अभी आप सुन रहे हैं उसकी पिच अगर कम है या ज़्यादा है तो उस बेस पे आपको लॉरेल और यैनी जो है वो समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि इंटरनेट पे इसको लेके बहुत डिबेट चल रही है कि ये लॉरेल वर्ड है ये यैनी वर्ड है। तो मैंने सोचा आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो अगर आप लोग इसकी पिच को खुद इंक्रीज करके और डिक्रीज करके देखेंगे तो आपको क्लियरली वर्ड का पता लग जाएगा, क्योंकि एक्चुअल इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एग्जैक्टली सेम है अगर हम वोकल्स में जाके चेक करें तो। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता और इस वीडियो को ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही कि आप अगर इसकी पिच को इंक्रीज करेंगे 30% या 30% डिक्रीज करेंगे तो आपको इजीली जो है वो वर्ड जो है वो समझ में आ जाएगा। तो अभी देखें कि मैं अभी आपको एक क्लिप सुनाता हूँ, आप ये सुने। तो आपने ये क्लिप सुन के आपको क्या समझ में आई कि ये कौन सा वर्ड है या ये क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ आई, मैं आपको दोबारा ये क्लिप सुनाता हूँ, अब आप ये सुने। The juice of lemons makes fine... अभी आपने देखा कि अच्छा चले, अब मैं दोबारा जो फर्स्ट वाली क्लिप है वो सुनाता हूँ। वॉच, ये देखिए कि अभी दोनों में वॉइसिस में पहले आपको समझ नहीं आ रही थी, अब आपने उसको क्लियर करके सुना और उसके बाद दोबारा आप सुन रहे हैं तो आपको इजीली समझ आ रही है। तो ये डिपेंड करता है आपके माइंड पे, आप इस टाइम क्या सोच रहे हैं, आपका माइंड क्या देखना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो इस वीडियो कर दें एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ये पता करें कि उन्हें कौन सा वर्ड समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।